ओए दूर रहियो, मैं तेनी सूट दूं एक एक, छोड़ दे मुझे। अरे किसका है तू? बांध के बूझ रहा किसका हूँ मैं? खोल दे एक बार फिर बताऊंगा किसका हूँ मैं। ताऊ जी, ये रामपुर वाले चौधरी रामपाल का लड़का है। मेरे जी में तो युवा है, इसके हाथ पांव तोड़ लो। ब्रह्म सिंह, यह सोचने की बात है और इस गांव की इज्जत की बात भी है। धी बेटी सबका हूँ मैं, नू तो इस गांव की लड़कियों के रिश्ते भी ना लेने का कोई। बात ठीक कह रहे हो, जो भी करोगे सोच समझ कर करो। भाइयो मेरी एक बात समझवा दो, थारी आती हो तो। हाँ, और बोल भाई क्या बात है? लाली का ब्याह तुम इस छोरे से कर दो। मैं जरूर करूँगा इससे ब्याह, इसके तो पहले ही बतेरे ब्याह हुए पड़े। चुप दरारे, देखो तुझे भी एक दिन। हाँ भाई ब्रह्म सिंह, कैसे रहा है? मुंशी जी, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। जैसा आप चाहवे, जैसा गांव समाज चाहे, मैं तैयार हूँ। पहले इसके बाप से तो मिल लो एक बार। हाँ, यह बात तो ठीक है, मिलना जरूरी है। सुसरे ने ब्याह का नाश करवा दिया, पता ना कैसे घर का। सारे थारे तो बढ़िया ही है, तुम किसी से भी मिल लो, पर ब्याह तो मैं करूँ। और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं है, नू है। मेरी मानो, तो जल्दी चलो। यू जो बंदा पड़ा इसका क्या करे? तू दो तीन लड़कों के साथ इस पर नजर रख, मैं मुंशी जी दो तीन गाँव वाले रामपाल के घर जा रहे। निशा, अब मैं अमित के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैं मर जाऊंगी निशा। अब के करें, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा, बात बहुत बिगड़ चुकी है। पारुल, पागल हो गई है क्या? क्यों अपने आप को मारने पे तुली है? मैं मर जाऊंगी। ये क्या पागलपन है? तू मुझे कुछ सोचने तो दे। नहीं कुछ करती हूँ। अच्छा, पहले एक बात बता, अमित तेरे से शादी कर लेगा? हाँ जरूर करेगा, उस बेचारे को तो पता भी ना मेरे साथ क्या हो रहा है। अब तो बस एक ही तरीका है, किसी तरह अमित को यहाँ लाया जाए। लेकिन उसे लाएगा कौन? तू अपने पापा से बात करना, तेरे पापा उन्हीं के भट्टे पे तो काम करते हैं। मेरे पापा तो तेरे पापा के साथ गए तेरी शादी की बात करने, वो ना कुछ करने के, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक तू अमित को यहाँ लेकर आएगी, तब तक ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी इससे कर देंगे। ये अच्छी मुसीबत गली पड़ी मारे। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ लेके जाती हूँ, ये अमित को लाने में हमारी मदद करेगा। वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। राम राम दरोगन जी। अच्छी शादी में आई थी तुम, यहाँ ना हो रही अब शादी? शादी? कैसी शादी? मैं किसी शादी वादी में नहीं आई। अरे दरोगन जी के लिए कुर्सी ला, मिठाई ला, पानी ला। रहन दो सुख के भैया, आप मुझे जानो दरोगन जी? हम तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तुमने किसी आदमी को जबरन अपने घर में रोक के रखा है। बाहर निकालो उसे, मैं उससे बात करनी है। अजी उसने तो हमारा नाश कर दिया, हमारी बरात भगा दी। जब तक पिताजी और मुंशी जी ना जाते मैं उसे बाहर निकाल दूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जबरन किसी को अपने घर में बांध के रखना बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। अजी मुझे जेल हो या फांसी, मैं इसे नहीं छोड़ दूं। तो मैं अगर बात करनी है तो भीतर ही कर लो। ठीक है तो दरवाजा खोलो, लेकिन जब तक हम बात ना कर ले कोई दरवाजे के पास नहीं आएगा। ठीक है दरोगन जी, लो कर लो बात। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो यहाँ खाम खा बांध के घेर रखा हूँ। अच्छा बच्चू, अभी तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। तेरी बहुत शिकायत मिल रही, तन्ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। मन ने ना करा कुछ भी, मैं तो एकदम खटतड़ कहने वाला हूँ, कोई इसमें बुरा मान जा तो मैं क्या करूँ। आपके इरादा है तो? मेरा इरादा बिल्कुल ना शादी करने का, चाहे चाहे जितना जोर लगा लियो। यहाँ से निकलना चाहे या ना? हाँ निकलना तो चाह रहा हूँ, तुम पुलिस हो, थारा फर्ज है, तुम निकलवाओ। मैं तुझे यहाँ से निकाल सकती हूँ, मगर तुझे मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन? तू? हाँ मैं। अब कौन सा नया चक्कर है? यू कोई चक्कर ना है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है और तुझे मेरी। मुझे ना किसी मदद वदद की जरूरत। सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग जबरन तुम्हारी शादी पारुल से करा देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे, कुछ अंधेर कर दी है। तेरी वजह से उनकी बारात वापस चली गई। अब तो गांव की इज्जत की बात है, तेरे पिताजी भी मना ना कर सकते।
तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मैं ना दे रहा कोई वचन पचन। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या करना है मुझे? पहले वचन फिर बताऊंगी। पहले बात बता, बाद में दूंगा। ठीक है, बताती हूँ। तुमने जिस लड़के को पारुल के साथ देखा था, तुम्हें उसे लाने में मेरी मदद करनी होगी। पारुल की शादी उसी लड़के से करनी होगी, वरना पारुल अपनी जान दे देगी। ठीक है, या तो कोई बड़ी बात ना, ले आऊंगे उसे पकड़ के। पहले तू मुझे यहाँ तक काट तो सही। पहले वचन दो, पारुल की शादी उसके साथ होने तक तू मेरी मदद करेगा। ठीक है, दिया वचन, अब मुझे खोल तो सही। मैं बाहर जा रही, उन्हें बातों में लगाती हूँ, तू भाग जाना जल्दी से। ए, इधर आओ। निशा, तुम? उई माँ। पकड़ो 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 पकड़ो। ताई जी, पापा अपनी ड्रेस मंगा रहे, निशा लाई थी, यहाँ कुछ जरूरत थी के? चौधरी साहब आए के? आ जाओ, आओ जी आओ, आ जाओ। अरे मुंशी जी, आप यहाँ? आज तो लड़की की शादी है, आपको तो वहाँ होना चाहिए। कैसे, आओ बैठो, आओ। अरे सुरेश, चाल आइए रे जल्दी। चौधरी साहब, हम थारी चाय पीने नहीं आ रहे, और फिर तुम नू कहोगे नू है और नू है और नू नहीं है तो नू है। इस बीरम सिंह का नाश कर दिया तेरे छोरे ने। अरे के कर दिया उस नाश की जड़ ने, उससे तो हम भी तंग आ लिए। रामपाल भाई, मारी थारी कौन सी दुश्मनी थी, मेरे से कौन सा बैर काटा? मुझे तो कहीं गाँव में मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़ा। अरे मैं नू कहूँ, नाक तो सारे गाँव की भी कट गई। अरे पूरी बात बताओ के हुआ? तेरे छोरे ने मारे दरवाजे पे सब बारात वापस भिजवा दी। आज लो गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ था। भाई यू तो हमें किसी के धोरे बैठने लायक छोड़ देनी। किसी और की कहने की जरूरत। खैर तुम नू बताओ के चाहो? हम के चाहे? हम तो नू चाहे मारे गांव की इज्जत बनी रहे। अरे थारे गांव की इज्जत बनी रहे, इसके लिए मुझे के करना होगा? सारे गांव की इच्छा, मारी इच्छा, अर्ष बिरम सिंह की इच्छा, या एक बिरम सिंह की छोरी का ब्याह तेरे छोरे तो हो जा। बस चौधरी साहब, अब तुम्हारी इज्जत आपके हाथ में। ठीक है, मैं चल के देखता हूँ क्या बात है, पर एक बार मैं अंदर बतला लूँ, फिर मैं थारे साथ चलूंगा। जब मैं तुम्हें मने करके गया था, फिर क्यों भेजा तुमने वो माँ? हमने ना भेजा, अपने आप गया। समझा के रोक नहीं सकती? मैं क्या पता था वो ऐसा कर देगा? तू नहीं जानती उसका, वो जहाँ जा वहीं बीज बो दे, नाश की जड़ पैदा हो रहा है घर में।